भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारीगण, रॉयल भूटान के सर्विस के भी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी नौजवान साथियों, संसदीय पद्धतियों, प्रक्रियाओं, लोकतंत्र के सबसे बड़ी संस्था जहां देश में कानून बनाया जाता है, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अभाव, चुनी हुई जनप्रतिनिधि जिसके माध्यम से सरकार को अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे इस लोकतंत्र के सिस्टम में जब देश आजाद हुआ तो हमारे उस समय के नेताओं के सामने चुनौती थी कि हम शासन चलाने की कौन सी पद्धति को अपनाएं। विश्व के अंदर शासन करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। उस समय के हमारे नेताओं का विजन, उनकी सोच, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महान कर्मयोगियों ने इस बात पर विचार किया कि दुनिया का सबसे बड़ा देश एक लंबी लड़ाई के बाद आजाद हुआ है, हम क्यों न इस शासन को जनता को समर्पित करें। इसलिए आपने जब संविधान पढ़ा तो आपने संविधान की मूल भावनाओं को देखा होगा कि शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित। और उस समय संविधान निर्माताओं ने शासन चलाने के लिए संसदीय लोकतंत्र पद्धति अपनाई। उसे समय बहुत कम देशों के अंदर संसदीय लोकतंत्र पद्धति थी। हमारे सामने चुनौती भी थी लेकिन हमने दुनिया में साबित कर दिया है कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ अगर पद्धति है तो वो संसदीय लोकतंत्र पद्धति है। और आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अधिकतम शासन इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर लोकतंत्र की चर्चा हो रही है, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी की चर्चा हो रही है। ये भारत के लोकतंत्र के इस संसदीय प्रणाली की सर्वश्रेष्ठ पद्धति और उसके अच्छे परिणाम का ही कारण है कि भारत का लोकतंत्र आज दुनिया को मार्गदर्शन दे रहा है। और इसीलिए शासन चलाते समय उस समय और बातों पर विचार होने के साथ साथ हमारे तीन स्तंभों पर शासन टिका हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उन शासन के तीनों स्तंभों को अपने अपने संवैधानिक अधिकार दिए।
और ये अपेक्षा की कि तीनों स्तंभ अपनी अपनी सीमाओं में रहकर अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाएं। और आज कई बार इस पर चर्चा होती है, संवाद होता है, और विशेष रूप से जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो आपके सामने शासन चलाने की पद्धति, कार्यपालिका का अधिकार, उसका कर्तव्य, उसका दायित्व और संविधान की मूल भावनाओं की अपेक्षाओं को पालन करना, यह आपके लिए सबसे बड़ा दायित्व होगा, क्योंकि आप संसद में आए हैं तो आप आजादी के बाद और आजादी के पहले दोनों यात्राओं का भी अध्ययन करेंगे। आजादी के पहले ये केंद्रीय विधानसभा के रूप में, सेंट्रल असेंबली के रूप में जब बनी थी, उस समय किन किन बातों पर, किन किन कानूनों पर चर्चा होती थी, और आजादी के बाद देश के अंदर बहुत चुनौतियां थी, बड़ी जनसंख्या के लोगों के अभाव थे, उनकी चिंताएं थी। अगर आप पहले बजट का अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि कम बजट के अंदर किस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करें, यह भी देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आप क्योंकि भारत दर्शन करके आए, भारत की विविधताएं आपने देखी है, आपने सीमा पर लड़ने वाले हमारे नौजवान जो बड़ी कठिनाई, बड़ी चुनौतियों के अंदर किस तरीके से माइनस टेम्परेचर के अंदर रहकर देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, आपने नेवी का भी अध्ययन किया, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट का भी अध्ययन किया, आपने आईटी सेक्टर, देश के सामने नस्लवाद की चुनौतियां, आदिवासी क्षेत्र की समस्याएं, नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर, मुझे याद है कि जब हम अरुणाचल गए थे तब हमारे सेक्रेटरी जनरल जो उत्तराखंड से चीफ सेक्रेटरी से रिटायर्ड हुए हैं, उनकी अरुणाचल के अंदर उस इंटीरियर गांव के अंदर ट्रेनिंग हुआ करती थी, न जब रोड थे, न पीने का पानी था, न बिजली थी, लेकिन उस कठिनाई चुनौतियों के अंदर भी एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी उस प्रशिक्षण काल के अंदर सीखता है, समझता है, अनुभव करता है, और उसके आधार पर जितनी कठिनाइयां, जितनी चुनौतियों को आप समझेंगे, जितने लोगों के अभावों को देखेंगे, उतने ही आप आपके कार्य में, आपकी व्यवहार में, आपके आचरण में उन चीजों को अपनाने का काम करें। और इसीलिए संसद के अंदर, जहां आप संसदीय प्रक्रियाओं, नियम कानून बनाने की चर्चाओं का भी अध्ययन करेंगे, उसके साथ साथ क्योंकि आप पर आने वाले समय में राज्य में कानून बनाने की, देश में कानून बनाने की, मैं उसको ड्राफ्ट करने की आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है।
इसलिए आप देखेंगे कि कई कानून आजादी के बाद के कानून, पहले के कानून हैं, जिन्होंने कई बार संशोधन हुए हैं। आप जब रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कई कानून 1860 के हैं, 1865 के हैं, उन कानूनों के अंदर बहुत बार संशोधन हुआ है। हमने भी हमारे यहां रिसर्च विंग से अध्ययन करा रहे हैं कि मूल कानून के अंदर लगातार कितनी बार उसमें परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव जनता पर पड़े। इसलिए कानून बनाना जहां विधायिका का काम है, लेकिन उसके सहयोगी के रूप में कानून का ड्राफ्ट करना, कानून की बारीकियों को समझना, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझना, और जो कुछ भी आपने इस कठिन दौर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर, उन विविधताओं के आधार पर हम एक बेहतर कानून बनाने का काम बनाने वाली विधायिका के सहयोग के लिए भी काम करें। साथियों, आपने जब अलग अलग देश के भारत का दर्शन किया तो आपने देखा होगा कि हमारी जितनी विविधताएं हैं, क्योंकि आप अपने मूल राज्य से अलग अलग राज्यों में जाएंगे, उस केडर में जाकर काम करेंगे, तो भारत की विविधताएं, चाहे खान पान की हो, चाहे भाषा की हो, चाहे संस्कृति की हो, चाहे भौगोलिक परिस्थितियों की हो, विकास की हो, अन्य चुनौतियां हो, उन सबको अभी तक आपने किताबों में पढ़ा, कुछ प्रशिक्षण में सीखा, लेकिन आप अब फील्ड में जाकर अपने राज्यों से अन्य राज्यों के अंदर भी जाएंगे, जहां वहां की विविधताएं हैं, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां की समस्याओं का अध्ययन करने के साथ साथ किस तरीके से अपने कार्य से आप वहां की संस्कृति, वहां की समस्याएं, अभावों को दूर करने के लिए जन अपेक्षाओं के अनुसार काम करें। एक नए अधिकारी में नई ऊर्जा होती है, नया उत्साह होता है, बदलाव की करने की क्षमता होती है, क्योंकि मैं भी 30 साल से राजनीति में हूं, जहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों से हमारी मुलाकात होती है, वहां राज्य के मुख्य सचिव से भी हमारी चर्चा होती है। हम देखते हैं कि जो नौजवान प्रशिक्षण प्राप्त करके फील्ड में जाता है, उसकी मन में बहुत अपेक्षाएं होती हैं कि मेरे प्रयास से मैं इस सारे क्षेत्र के अंदर व्यापक बदलाव ला सकूं, क्योंकि ये अमृत काल है। जैसे मैंने कहा कि जो 75 साल के इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में बहुत विकास किया है, उस समय की चुनौतियां और थी, आज की चुनौतियां और है। इस बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं को जनभागीदारी के माध्यम से, जितना आपके पास जनभागीदारी होगी, जितना आपके पास फील्ड के अंदर जाकर, जितना आप उन कठिनाइयों का अनुभव करोगे, उतना ही बेहतर आप समाधान कर पाओगे। इसलिए
एक अधिकारी को हमेशा अधिकतम जनसंवाद करना चाहिए, अधिकतम जनता की विकास में, वहां की समस्याओं में अधिकतम जनता का संवाद करते हुए, उसका सक्रिय योगदान कर लेते हुए उस क्षेत्र के अंदर व्यापक बदलाव की नीतियां कार्य योजना बनानी चाहिए। और एक नए अधिकारी में उसी उमंग जोश होता है, लेकिन कई बार कई चुनौतियां, प्रशासनिक अधिकारियों की चुनौतियां, कभी राजनीतिक चुनौतियों के कारण कई अधिकारी विचलित हो जाते हैं। हमारा ध्येय और हमारा लक्ष्य उस अभाव में रहने, उस वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन का बदलाव करने का है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, कार्यपालिका के रूप में काम करने वाले अधिकारी हो, उसकी नजर अगर सबसे नीचे के तबके में, अभाव में रहने वाले वंचित लोगों की किस तरीके से सरकारी योजनाओं के माध्यम से हमारा अगर जनता में सक्रिय योगदान हुआ, तो सामाजिक योगदान के माध्यम से भी हम उस क्षेत्र के अंदर एक व्यापक बदलाव ला सकते हैं। और आपके प्रशिक्षण प्राप्त करते ही आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी वो सब डिविजन मजिस्ट्रेट के रूप में होती है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम रहते हैं, वह काम करने का सबसे बेहतर और सुनहरा अवसर आपकी जिंदगी में रहता है कि आप उस एसडीओ लेवल के काम करते समय जहां रेवेन्यू की आप जानकारी रखते हो, वहां सारे प्रशासनिक अधिकार आपके पास रहते हैं। और मैं कई बार व्यक्तिगत रूप से भी जब फील्ड में जाता हूं, देखता हूं कि बहुत बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव में जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, लेकिन उसके साथ साथ उस जमीन पर जाकर आप देखेंगे तो कई सेक्टरों के अंदर आप जिस लेवल पर होंगे, आपके प्रयासों से एक व्यापक परिवर्तन कर पाएंगे और आप एक अच्छे लोकप्रिय अधिकारी, जनता के विश्वास भरोसे जीतने वाले अधिकारी बनकर वहां से निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जिस लेवल तक पहुंचेंगे, आपका पहली पोस्टिंग का अनुभव आपकी जिंदगी में हमेशा आपको मार्गदर्शन देता रहेगा, नए ऊर्जा देता रहेगा। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप यहां से जाएं। अभी आपकी और प्रशिक्षण प्राप्त करना भी आपका बाकी है, लेकिन आप उसी उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ मुझे ही इस लोकतंत्र के सिस्टम को अपनाते हुए जनता के जनप्रतिनिधियों का, जनता के सहयोग लेकर मेरी ही जिम्मेदारी बदलाव करने की है। देश में किसी भी हिस्से के अंदर जो बेहतर काम हो रहा है, जो अच्छा काम हो रहा है, उसके अनुभवों को प्राप्त करना, लेकिन वहां की भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्णय करना, क्योंकि कोई नॉर्थ ईस्ट के इलाके के अंदर है और कोई जमीनी इलाके के अंदर है, आपने वहां के अनुभव तो प्राप्त कर लिए, लेकिन आप वहां की भौगोलिक स्थिति, इनकी भौगोलिक स्थितियों में अंतर है।
इसलिए इस ज्ञान का वहां के अच्छे देशभर के अच्छे अनुभवों को अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेज का वहां पर जनता के अंदर किस योजना के माध्यम से व्यापक बदलाव हुआ है, किस सामाजिक कंट्रीब्यूशन के सहयोग से एक व्यापक बदलाव हुआ है, उस अनुभव को हम प्राप्त करें। हमारे पुराने जो अधिकारी वहां पर रहे उनके अनुभव को प्राप्त करें। जनता आपको जाकर सब अधिकारियों के बारे में फीडबैक दे देगी, वहां के पुराने अधिकारियों के, वहां के कर्मचारियों के बारे में दे देगी। लेकिन बदलाव करना है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों को देखते हुए। कई हमारे अधिकारी बड़े जोश में जाते हैं और व्यापक बदलाव की नीति अपनाते हैं, कई सफल हो जाते हैं, कभी विचलित हो जाते हैं। न तो हमें विचलित होना है, हमें तो हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना, सरकार की नीतियों कार्यक्रमों का एग्जीक्यूशन ठीक से होना, समाज में जिन योजनाओं का लाभ जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उस तक ठीक से उन योजनाओं का लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा उसको देखना, वहां जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना। मुझे लगता है कि ये नया बैच नए उत्साह के साथ जाएगा, क्योंकि ये अमृतकाल है। इस अमृतकाल में हमने बहुत बदलाव किया, लेकिन हमने आने वाले 100 साल के अंदर हमें बहुत बदलाव करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, समर्थ भारत बनाना है, लोगों के जीवन के अंदर बदलाव करना है, उसके संवेदना के साथ काम करते हुए उसके आंख के आंसू पोंछना है, उसकी जिंदगी में बदलाव लाना है, ये सब हमें करना है। इसलिए अमृतकाल से लेकर जब 25 साल आप 100 साल की हम योजना बनाएं तो आपके दिमाग में इस 25 साल के अंदर हमारे सेक्टर के अंदर क्या क्या बदलाव करना है, उस साल साल की योजनाओं का खाका आप तैयार करेंगे तो आने वाला जो भी आपका अधिकारी होगा वो उस रोड मैप पे काम करता चले जाएगा, तो मुझे मेरे सर्किल को एक समृद्ध आत्मनिर्भर एक मजबूत क्षेत्र बनाना है। तो आप सामूहिकता के साथ हम उस समृद्ध भारत को बना पाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। मुझे लगता है कि 2 दिन आपका प्रशिक्षण है, 2 दिन समय कम है, क्योंकि यहाँ देखने को बहुत है। यहाँ आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में, यहाँ के रिसर्च विंग में बहुत अध्ययन अध्यापन प्रशिक्षण प्राप्त करने का ये लोकतंत्र का मंदिर है। लेकिन मुझे आशा है कि कम समय में आप ज़्यादा सार्थक समय का उपयोग करते हुए जिस लक्ष्य के लिए आप इस प्रशासनिक सेवा के अंदर आए उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी आप सबको शुभकामनाएं, बधाई है। समय समय पर जब भी हम जाएंगे जिस इलाके में आएंगे तो निश्चित रूप से आपसे मिलना होगा, और उस समय में आपसे चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव आप में हुआ, क्या बदलाव आप देख रहे हैं। मुझे आशा है कि आप जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, और आपके प्रयासों से ही ये भारत समृद्ध, खुशहाल,
आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।